कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अक्षय के साथ साथ फैंस भी उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान के किरदार में हैं। इस किरदार के लिए अक्षय ने जी तोड़ मेहनत की है। वहीं ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अक्षय कुमार भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। दरअसल अक्षय अपनी माँ को याद करके रोने लगे। अक्षय ने कहा, काश आज माँ होती तो उन्हें पृथ्वीराज बनते देख पाती, उन्हें बहुत गर्व महसूस होता। बहुत गर्व से मैं कहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये फिल्म में काम कर सकूं। आई एम वेरी प्राउड एंड आई विश मेरी माँ होती तो शी वुड हैव बीन सो प्राउड। आपको बता दें, अक्षय की माँ का 8 सितंबर 2021 को निधन हो गया था। अक्षय ने 8 मई को मदर्स डे के मौके पर माँ को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा था। वहीं अक्षय ने बताया कि यह एक एजुकेशनल फिल्म है, इसके बारे में हर किसी को सीखना और जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे इस फिल्म के साथ जुड़कर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और हम जब हिस्ट्री किताब में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एक पैराग्राफ आता था उनका, आज ये फिल्म मैं चाहूंगा देश का ही नहीं दुनिया का हर बच्चा देखे। इट्स एन एजुकेशनल फिल्म। आपको बता दें, फिल्म पृथ्वीराज को डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के ऑपोजिट मानुषी छिल्लर हैं। उनके अलावा सोनू सूद, मानव विज भी पृथ्वीराज में नजर आएंगे। वही फिल्म 3 जून 2022 को रिलीज होगी।